जानू आई लव यू। ओहो, सुनते ही मन हरियर आ जा रहा। अबे साले, तभी नहीं बोल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक फिल्म का ट्रेलर आया है, जिस फिल्म का नाम है जानू आई लव यू। हाँ, मुझे पता है कि ये नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बार फिर से वही 90s के जमाने की हिंदी फिल्मों का सस्ता सा लव स्टोरी एक बार फिर से हक दिया है। ऊपर से इस फिल्म का ट्रेलर वो आपके इस सब को बहुत तगड़ा वाला बल दे देता है कि आप ये सोचें कि क्या बकवास है। ये 2 मिनट 40 सेकंड का जो ट्रेलर है, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यही ना कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर पिछवाड़े में वो प्यार वाला कीड़ा काटने लगता है। फिर उन कीड़ों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो आतंक मचा देते हैं। फिर प्यार परवान चढ़ जाता है। प्यार कई कोनो पाप तो ना। फिर वही 90s के जमाने का एक लड़की का बाप आता है, जिसकी इज्जत इसलिए चली जाती है कि उसकी बेटी किसी और के साथ घूम रही है। उसकी नाक कट जाती है, मूंछ नीचे हो जाती है, पगड़ी झुक जाती है। अक्सर आप 90s के जमाने में हिंदी फिल्मों में ऐसा अक्सर देखा करते थे। फिर वो एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है और अंधेरे में रहने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी किसी और के साथ घूम रही है। देखो बाप, अपन मुंह छुपावे खातिर अंधेरा के सहारा लेला। क्या ये सारी बकचोदी आज के इंस्टाग्राम वाले जमाने पर, जहाँ पर बाप खुद अपनी बेटी से कहता है कि बेटी थोड़ा दिखा के नाचो तब वीडियो पर लाइक आएगा। ऐसे जमाने में ये इज्जत चले जाने वाली, अंधेरे में घुट जाने वाली बातें कहीं पर भी शूट कर रही है? अब यहाँ पर खट से आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सारे बाप एक जैसे थोड़ी होते हैं। बस यहीं पर कहानी मोड़ लेती है और आप इस ट्रेलर को देख करके जैसा परसेप्शन बनाए हुए हैं, ऐसा ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ऐसी कहानियां अक्सर बिल्डअप होने में थोड़ा समय लेती हैं। मुझे लगता है कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ इसी में चला जाएगा कि लड़की लड़का एक दूसरे से आपस में मिलेंगे, फिर दोनों में धीरे धीरे प्यार होगा, फिर प्यार परवान चढ़ेगा, फिर 2-4 गाने होंगे, फिर दोनों का प्यार परिवार को मंजूर नहीं होगा, खास करके अक्सर लड़की के परिवार। जैसा ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, लड़के की माँ तो खैर राजी ही है, लेकिन लड़की के बाप की नाक कट जाती है। बाबूजी, अंधेरा में कहीं बैठल बानी। तो ये सारा कहानी बिल्डअप करने में समय तो लगेगा। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि ट्रेलर में भी कहीं पर भी कोई कॉमेडी वमेडी तो दिखाई नहीं गई है। अक्सर जब ऐसी कहानी को बिल्डअप करने में जब समय लगता है, तो डायरेक्टर कोशिश ये करते हैं कि बीच में कोई कॉमेडियन घुसाया जाए, ताकि वो लोगों को कहानी से जोड़े रखे, लोग बोर ना हो, और उसी के पीछे पीछे कहानी को बिल्डअप कर लिया जाता है, और फिर फर्स्ट हाफ के बाद जा करके फिर कहानी एक अलग मोड़ लेती है, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये जो ट्रेलर काटा गया है या बनाया गया है, मुझे नहीं पता कि फिल्म की कहानी कैसी होगी। बट कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और ये ट्रेलर इंप्रेसिव नहीं है। ऊपर से इतना डल म्यूजिक, जौन तो किताब में पढ़ने बार। आजकल आप जितने भी फिल्मों के टीजर या ट्रेलर देखते होंगे, बहुत ही नॉर्मल से सीन को भी एक अट्रैक्टिव म्यूजिक डाल करके उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बना दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी कोशिश तक नहीं किया गया है। मतलब डायलॉग बाजी के समय ये गाने का म्यूजिक कौन बजाता भाई? कॉलेज छात्र हम छोड़ देता नहीं। जब से रणधीर के ये सब सुन के लोगों को क्या लगेगा? यही ना कि फालतू का 10-15 गाना भरा होगा। ये सीन देखो आप एक बार। देखो बाप, अपन मुंह छुपावे खातिर अंधेरा के सहारा लेला। मुझे नहीं पता कि इस सीन का फिल्म में क्या रोल है, कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है या एक नॉर्मल सा रोल है। बट इस सीन को ट्रेलर के रीढ़ की हड्डी बनाई जा सकती थी। एक बाप है जो अपनी बेटी को किसी और के साथ देख लेता है, फिर उसको अपनी इज्जत जाने का टेंशन हो जाता है, खतरा हो जाता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, घर में आकर के एक दरवाजा बंद करके अंधेरे में बैठ जाता है, और इतने इम्पोर्टेंट सीन के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है, भाई साहब सुनो एक बार। देखो बाप, अपन मुंह छुपावे खातिर अंधेरा के सहारा लेला। कैसा महसूस हुआ आज तू? इस सीन के हर डायलॉग के बाद एक तगड़ा लाउड म्यूजिक धड़ 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 बजा के कलेजा हिला देना चाहिए, तब एक नॉर्मल सीन भी इंप्रेसिव सीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब लोगों को लगता है कि वह भाई साहब कुछ तगड़ी फिल्म आ रही है लगता है। अब आप ऐसे बैकग्राउंड में चूई पूई, किसको अट्रैक्ट करता है भाई ये सब म्यूजिक? किसको पसंद है आज के जमाने में? हमको नहीं पता। ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो इस फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट है कि एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता है, असल में वो प्यार नहीं करता, वो उस लड़की को अपने झांसे में फंसाता है और फंसाने के बाद मंदिर में जाके शादी कर लेता है, बिना उसकी फैमिली की मर्जी से या फिर बिना अपने फैमिली की मर्जी से। मतलब उसका मकसद साथ रहना नहीं है, उसका मकसद कुछ और है, ट्रेलर देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। और शादी होने के कुछ दिन बाद वो अपने असली रूप में आता है। अब वो खुद आता है या किसी के प्रेशर में आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद वो जिस लड़की से शादी किया रहता है उसको हरास करना शुरू कर देता है, मारने लगता है, पीटने लगता है, यहाँ तक कि जान लेने तक की भी कोशिश करता है।
अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि लड़की ये सब कुछ बहुत दिन तक नहीं सहती है। हम आज की औरत हैं। और लड़की ईंट का जवाब पत्थर से देना ही सही समझती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के खाने में कुछ मिलाती है, पानी में या खाने में, फिर उसका हस्बैंड पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। फिर लड़के की इस हालत को देखकर किसी को शक होता है और वो पुलिस को कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें कि ऐसा नेचुरली हुआ है या किया गया है। तो कहानी में तो काफी ट्विस्ट एंड टर्न है। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव ट्रेलर निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ तो लोग ट्रेलर में ही कहानी बताने लग जाते हैं और सारा गुड़गोबर यही हो जाता है। आ बैल मुझमार। अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह इस फिल्म को लीड कर रहे हैं और ट्रेलर में भी ज्यादातर इन्हीं लोगों को दिखाया गया है। बाकी लोगों का जितना भी सीन दिखाया गया है उसे देखकर आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया है। उन्होंने कैसा किया है वो देखने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। बाकी फिल्म कब आएगी मुझे नहीं पता। रत्नाकर कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और अनुराग मिश्रा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर यह ट्रेलर आया है, आप भी जाइए एक बार देखिए और आकर के मुझे कमेंट में बताना कि जो कुछ भी मैंने कहा इस ट्रेलर के बारे में, क्या मैं गलत हूँ? हो सकता है मैं ही गलत हूँ भाई। आपको कुछ अलग दिखे इस ट्रेलर में बताना जरूर। आगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।